देश में राशन डीलरों के कार्य बहिष्कार से जुड़ी हुई अहम खबर है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ राशन डीलर की वार्ता हुई। अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण के लिए निर्धारित कमीशन को लेकर ये वार्ता रही। डीलर्स ने सरकार की तरफ से निर्धारित 4 रूपए प्रति पैकेट के कमीशन को बताया काफी कम, साथ ही कम से कम 30 रूपए प्रति पैकेट के हिसाब से कमीशन तय करने की मांग उठाई। बैठक के बाद खाद्य मंत्री ने कहा राशन डीलर के साथ सकारात्मक हुई वार्ता, दोनों पक्षों की बातचीत में 20 रूपए प्रति पैकेट कमीशन पर सहमति बनी है। इस सहमति को लेकर वित्त विभाग में प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। खाचरियावास ने उम्मीद जताई कि राशन डीलर जल्द ही काम पर लौटेंगे। सकारात्मक ये वार्ता बताई जा रही है। 4 रूपए प्रति पैकेट के कमीशन को कम बताया डीलर्स ने। जिस तरह से लगातार प्रदेश में राशन डीलर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसी को लेकर ये वार्ता थी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण के लिए निर्धारित कमीशन को लेकर ये वार्ता थी, क्योंकि डीलर्स का कहना यही कि सरकार की तरफ से जो निर्धारित 4 रूपए प्रति पैकेट कमीशन है वो बहुत कम है। उन्होंने अपनी बात रखी, यहां पर 30 रूपए प्रति पैकेट के हिसाब से कमीशन तय करने की मांग उठाई। अब वार्ता में बातचीत हुई और जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि 20 रूपए प्रति पैकेट कमीशन पर यहां सहमति बन गई है, इस सहमति को लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेजा जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से वार्ता हुई है, दोनों तरफ से बात रखी गई और कितनी सकारात्मक ये वार्ता रही है, और क्या वाकई में 20 रूपए प्रति पैकेट कमीशन पर सहमति बन गई है? क्या ये कार्य बहिष्कार अब खत्म होगा? हाँ, देखिए प्रदेश भर के राशन डीलर जो है पिछले 2 दिन से कार्य बहिष्कार की राह पर है। कार्य बहिष्कार इस बात को लेकर के है कि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट की उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर उनको अतिरिक्त कमीशन जो है वो नहीं दिया गया। 4 रूपए प्रति पैकेट का दिया गया, जबकि अगर उसका मेंटेनेंस देखा जाता है तो अगर पैकेट खराब होते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राशन डीलर की होती है। तो ऐसे में राशन डीलरों ने आज मीटिंग बुलाई थी, खाद्य मंत्री ने प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए सभी राशन डीलर्स को बुलाया था और उनके साथ वार्ता की है। वार्ता में राशन डीलर्स ने स्पष्ट कहा कि 30 रूपए प्रति कमीशन दिया चाहिए और इस पूरे मामले में प्रति पैकेट आपसे कमीशन देने की बात पर सहमति बनी है। दोनों ही पक्षों ने इस पर सहमति दिखाई है। हालांकि अभी इस बारे में वित्त विभाग में प्रस्ताव भेजा जाएगा और वहां से अनुमति के बाद में आगे जारी होंगे। लेकिन राशन डीलर ने कह दिया है कि जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। विकास, तो कब तक आदेश जारी किए जाएंगे? क्योंकि जितना डिले इन आदेश को लेकर होगा उतना ही नुकसान भी है, लगातार इनकी ये कार्य बहिष्कार भी जारी रहेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल पब्लिक को दिक्कतें हो ही रही है इसके अंदर और साथ में राशन डीलर भी अपनी मांगों पर अड़ी है, लेकिन अब जल्द से जल्द आदेश जारी हो सकते हैं क्योंकि खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बताया ये जो पूरा मामला था इसमें सहमति बन गई है और जल्द से जल्द के आदेश के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 30 की जगह 20 रूपए पर कमीशन पर सहमति यहां पर बन गई है, लेकिन इनका कहना यही है कि जब तक आदेश जारी नहीं होते हमारी हड़ताल जारी रहेगी, यानी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, और इसलिए कोशिश ये कि जल्द से जल्द यहां पर आदेश जारी किए जा सके ताकि ये सभी काम पर लौटे।